हैंड बाइकिंग, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पवन जी, क्या आप दिखा सकते हो फ्री हैंड बाइकिंग? जी कोशिश करूंगा मैं, देखिए। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी ब्लॉग में, मैं हूं आशुतोष। तो दोस्तों जैसा कि सुबह के बज गए हैं 8:30 और आज हम जाने वाले हैं चंपावत। देखिए मैं आपको आज चंपावत दिखाऊंगा, काफ़ी मजे करने वाले, फन करने वाले हैं। और मेरे साथ हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, जो मेरी वीडियो बनाने में हेल्प करते हैं, जो पवन बिष्ट हैं। पवन जी, आप कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, मैं पवन सिंह बिष्ट आपका स्वागत करता हूँ हमारे पहाड़ी YouTube चैनल पर। दोस्तों हम जा रहे हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट, आपको जरूर पसंद आएगा, आपको दिखाएंगे हम वहाँ की खूबियाँ। और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ सुझाव देना तो नीचे कमेंट पे आप हमें सुझाव दे सकते हैं, ताकि अगली वीडियो हम कुछ अच्छे से कर सकें। हमें आशा है कि आपको कुछ जरूर पसंद आएगी। और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्हें पता नहीं है कि चंपावत कौन सी जगह है, तो मैंने एक पिछली वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैंने बताया कि चंपावत कौन सी जगह है, क्या है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। काफी लाउड है आज, क्योंकि नंदा सुनंदा प्रोग्राम भी हो रहा है। और ये देख सकते हो आप नौला, मीठे धारे का नौला है, काफी अच्छी डिजाइनिंग है। कहा जाता है कि ऐसा ही एक नौला, एक हत्या नौला भी है, उसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा। देख सकते हैं काफी सुंदर सा नौला है, देख सकते हैं। देख सकते हैं पत्थरों में काफी अच्छी सी डिजाइन की गई है, और मैं दिखाना चाहूंगा ये देखिए काफी अच्छी डिजाइन है। और ये है इसके ऊपर, तो आइए चलते हैं बालेश्वर की ओर। काफी लाउड है यहाँ पे। तो मैं आपको बालेश्वर मंदिर तो आज दिखा देता हूँ, उसके बाद ये देख सकते हैं काफी अच्छी डिजाइन के साथ है। ये देखिए काफी आवाज आ रही है, और ये देखिए काफी अच्छी कलाकारी की है। कहा जाता है कि जब चंपावत समुद्र वंश की राजधानी थी, तो तब इसका निर्माण करीब 1000 सदी से 1200 सदी के बीच में बनाया गया है, चंद राजाओं के द्वारा ये बनाया गया है। काफी अच्छी कारीगरी देख सकते हो, कारीगरी करने वाले जगन्नाथ मिस्त्री थे, और जगन्नाथ
चंगा मिस्त्री द्वारा कारीगरी की गई है और चंद वंशु द्वारा इस कारीगरी से मोहित हो गया दिया गया था। और उसके बाद जगन्नाथ मिस्त्री ने एक हफ्ते नौला भी बनाया था जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, नंदा सुनंदा मेले का आयोजन है और आज समापन है, तो उसके लिए यहाँ पे यज्ञ चल रहा है। देख सकते हैं, अगर आप हिस्टोरियल प्लेस देखने के शौकीन हैं तो आपके लिए ये एक अच्छी जगह हो सकती है। देख सकते हैं, चंद्रवंश द्वारा निर्माण किया गया था 1000वीं सदी से 1200वीं सदी के बीच और जगन्नाथ मिस्त्री ने बनाया गया था ये। देखिए ये मंदिर शिव मंदिर को समर्पित है, शिव जी को समर्पित है शिव मंदिर। देख सकते हैं कलाकार है। माँ सुनंदा माँ नंदा सुनंदा का आज समापन है। काफी अच्छी कलाकारी देखने को मिलती है इस मंदिर पे। देख सकते हैं जगह जगह पे काफी मंदिर है। तो यही पे पास में एक हनुमान मंदिर है, काफी अच्छा मंदिर है। आपको विशाल का मंदिर है हनुमान जी का, शायद आपको आवाज अच्छे से नहीं सुनाई दे रही होगी क्योंकि काफी लाउड है आज। हनुमान मंदिर है चंपावत का, काफी फेमस मंदिर है। देखिए वातावरण है, बीजी होने के कारण मैं आपको दो ही मंदिर दिखा रहा हूँ, एक नागनाथ मंदिर एक बालेश्वर मंदिर। और आज बालेश्वर मंदिर का मैं अच्छे से विश्लेषण नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे नंदा सुनंदा का दोबारा जाऊंगा। और तो फाइनली हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से दिखता है हमारा पूरा चंपावत। और जो हमारे चंपावत वाले भाई लोग हैं उन्हें तो खासकर पता चल ही गया होगा मैं कौन सी जगह गया हूं। तो चलो दिखाता हूं मैं अपने और व्यूअर्स को, काफी अच्छा है हमारा चंपावत।
और पवन जी यहाँ पे पहली बार आए हैं। पवन जी क्या कहना चाहोगे? मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, आज आसू ने दिखाया कि यहाँ पे इतना अच्छा व्यू बन सकता है, अच्छी लोकेशन पे हम लोग आए हैं, बहुत ही शानदार, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे को। और यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी चंपावत यहाँ से देख सकते हो, तो कलेक्ट्रेट यहाँ से दिख सकता है, सर्किट हाउस यहाँ बगल में है, तो यहाँ काफी अच्छी जगह है, यहाँ से कॉलेज भी दिख जाएगा आपको, पूरा चंपावत शहर दिख जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना पूरा चंपावत। तो मैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर कुछ सुझाव देना हो तो आपको मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। चलो मैं पहुंच गया हूँ जैसा कि चंपावत, और सबसे टॉप जगह हूँ चंपावत जी, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपना पूरा चंपावत। पवन जी से कहूँगा देखिए हमारा पूरा चंपावत, कितना सुंदर सा चंपावत है हमारा, ये पूरा हमारा चंपावत है, काफी अच्छी जगह है, यहाँ टॉप में देख सकते हैं आप पूरा चंपावत। मैं करूंगा जूम, ये देखिए ये देखिए